असलम नमस्ते सत्याकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नज़ीम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत्याकाल, मैं हूँ उरूज। उरूज मेरा यार प्यारा सा नाम है, उरूज, हर कोई उरूज पे पहुँचना चाहता है। और आप पहुँची हुई तो वीडियो का टाइटल है, खुद भी पहुँचना चाहती हूँ। वीडियो का टाइटल है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, घपला घपला छपला, क्या है घपला, तो देखते हैं इस वीडियो को। हाँ घपला है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे वंदे भारत के अंदर होने वाले एक और घपलेबाजी को लेकर के। अब ये मैटर जो है एक सामने आया है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको जो है इंस्टाग्राम के थ्रू बताया था। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये वीडियो ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो सकती है। इस पूरी वीडियो को एक लाइन के या एक वर्ड के अंदर खत्म भी किया जा सकता है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो लाइन क्या है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि वंदे भारत या राजधानी शताब्दी जो प्रीमियम गाड़ियां जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, तो जर्नी शुरू होते ही आपको एक रियल नीड की बॉटल दी जाती है। वो समटाइम्स एक लीटर की होती है, समटाइम्स वो हाफ लीटर की होती है। शताब्दी वगैरह में हाफ लीटर वाला कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी पहले से चल रहा है। अब 19/12/2023 को वंदे भारत के लिए एक सर्कुलर रिलीज होता है IRCTC की तरफ से कि भाई आधे लीटर की पानी की बॉटल जो है दी जाएगी, हाफ लीटर वाटर बॉटल दी जाएगी। और दोस्तों सर्कुलर में लिखा गया पैसेंजर का जो फेयर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं किए जाएंगे। अगर कोई पैसेंजर आधे लीटर की बॉटल के बाद एक और बॉटल डिमांड करता है तो उसको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, कोई इशू वाली बात इसमें जो है नहीं रहने वाली। लेकिन यहीं पे एक इशू सामने आया एक पैसेंजर को, हो सकता है ये इशू आप जैसे कई सारे लोगों को भी सामने आ रहा हो, आप प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। मान लीजिए आधा लीटर पानी की बॉटल है, जो कि एक्चुअली में काफी कम होती है यार, हार्डली आप दो बार पानी पियोगे ना आधा लीटर की बॉटल खत्म हो जाएगी। तो अगर आप उनसे दोबारा बॉटल लेने जा रहे हो, जो कि सर्कुलर में लिखा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आधा लीटर और देने के आपको पैसा ले रहे हैं, ठीक है। वो आपसे 10 से 20 रुपए जो भी होगा वो चार्ज जो है कर रहे हैं कि नहीं होती है, नहीं होती है। थोड़ा सा अगर आप कुछ भूलने की कोशिश करोगे तो वो आपको यही सर्कुलर दिखा देते हैं, कहते हैं सर देखो सर्कुलर आया हुआ आधी लीटर की बॉटल देने का। अब हमें कई लोग क्या होते हैं, सर्कुलर की सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कुछ हाईलाइट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते नहीं, क्योंकि ये बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बॉटल मिलेगी। अलग अलग वंदे भारतों के अंदर इस टाइप की एक प्रॉब्लम जो है लोग फेस कर रहे हैं। अब इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रोमिनेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन ऐसा भी कुछ नहीं है कि इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। मैंने रिसेंटली निजामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत में ट्रैवल करा था और उसके अंदर अनाउंसमेंट सिस्टम के अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन किए गए, जो कि अगेन बहुत अच्छे हैं। अब उसमें अनाउंसमेंट कैसे हो रही है, मान लीजिए आपने ट्रेन की टिकट कराई, आपने केटरिंग ऑप्ट नहीं करी, ना तो आपको वेलकम स्नैक्स वगैरह दिए जाएंगे, ना ही आपको डिनर या जो भी आप लंच वगैरह वो सब आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए सडनली आपका प्रोग्राम जो है चेंज हो जाता है, अब आपको वेलकम स्नैक्स भी चाहिए, आपको डिनर वगैरह भी करना है और आप ओवर प्राइजिंग के शिकार ना हो जाए यहाँ पे, तो उस ट्रेन के अंदर बकायदा अनाउंसमेंट हो रही है कि जो भी वेटर्स वगैरह आपको सर्व कर रहे हैं आप उनको इतने रुपए दे करके वेलकम स्नैक्स ले सकते हैं, आप उनको इतने रुपए दे करके डिनर ले सकते हैं, आप उनको इतने रुपए दे करके ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अब ये जो बॉटल वाला सिनेरियो है ना, जिसका सिर्फ एक सर्कुलर निकाला है रेलवे ने, इसको भी वो अनाउंसमेंट के अंदर जोड़ दे। जैसे वंदे भारत में शुरुआत में अनाउंसमेंट होती है ना कि वंदे भारत में आपका स्वागत है, आपके लिए अभी आधे लीटर के पानी की बॉटल दी गई है, यदि आप में से किसी पैसेंजर को एक और बॉटल की जरूरत है तो वो डिमांड कर सकता है, जो आपको निःशुल्क जो है प्रोवाइड करी जाएगी। तो ऐसे करके इस चीज़ को भी खत्म किया जा सकता है। यदि कोई पर्सन बिटवीन रेलवेज एंड पैसेंजर एक मिडलमैन बन के अपना पर्सनल प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ हो रहा ही होगा, तो वो यहाँ पे इस तरह से जो एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि वीबी के अंदर ये अनाउंसमेंट वाला फीचर काफ़ी प्रोमिनेंटली यूज होता है। राजधानी वगैरह में भी होता है, बट वीबी का थोड़ा सा अलग है और अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं ये एक सॉल्यूशन इस चीज़ का जो है हो सकता है। वीडियो बनाने का पूरा पर्पस है आपको सर्कुलर के बारे में बताना कि सर्कुलर दिखा रहे हैं और सर्कुलर दिखा रहे हैं और आपको गलत चीज इम्पोज करा के दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा वाटर की बॉटल जो है यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है। दोस्तों इस वीडियो का एडिट करते हुए मुझे याद आया कि जो लाइन मैंने आपसे कही थी ना कि वीडियो की लाइन में भी खत्म हो सकती है, तो मैंने आपको बताई थी, वो लाइन ये है कि हाँ भाई 10 रुपए की एक्स्ट्रा बॉटल के पैसे मैं दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वंदे भारत जैसी महंगी ट्रेन का टिकट खरीद सकता हूँ, तो 10 रुपए की पानी की बॉटल खरीदने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, मैं उसके साथ नहीं मचमच कर रहा कि सर्कुलर दिखाओ, ये करो वो करो वाली बात, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, एंड दोस्तों आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट, समटाइम्स मेरा खुद का पर्सपेक्टिव भी ये होता है समटाइम्स। आप में से अगर कोई इस चीज़ का शिकार हो रहा तो प्लीज कॉमेंट में जरूर से बताइएगा। इस छोटी सी वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। जी जनाब। अच्छा बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बीच में कुछ लोग होते हैं कि जो इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल, कि चलो यार थोड़े से पैसे बना लूँ, मजीद बॉटल ना दूँ, मजीद बॉटल के पैसे ले लूँ। एक बॉटल के भी अगर पैसे लिए जाते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी कहानी, उसके 2000-2000 रुपये तो बनी जाएंगे। अच्छा अब सुने कहानी क्या है,
कहानी ये है कि सबसे खुशी जो मुझे हो रही है या सबसे ज़्यादा कि यहाँ के लोगों को अवेयरनेस कितनी है, यानी कि अगर कोई इशू दिख रहा है तो उस पर प्रॉपर वीडियो बन रही है, फिर ये इशू आगे तक जाएगा, फिर इसको सॉल्व, फिर उसके सलूशन। आपको पता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम जुल्म या बेईमानी या करप्शन के सामने खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं मेरा क्या, हमारा एक बोतल मुझे खरीदनी पड़ रही ना, खरीद लेंगे मैं क्या आवाज उठाऊं। हाँ ना, मेरे साथ नहीं, वो ये बोलेगा कि मेरे साथ तो कोई है नहीं आवाज उठाने वाला, मैं क्या अकेला बंदा, मेरी कौन सुनेगा, तो मतलब इतनी आवाम के अंदर मेरी कौन सुनेगा, तो वो ये बोलता है कि मेरे बैक पे तो कोई है ही नहीं, किसी की सपोर्ट ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से क्या होगा। हाँ, तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं, तो इसलिए यार 10-20 रुपए देके बोतल ले लो खामोशी से। फिर क्या होता है, फिर करप्शन करने वाले की करप्शन बढ़ती है, उनकी हिम्मत बढ़ती है। 100 लोगों ने भी ले ली बोतल पूरे दिन में, ट्रेन तो बार बार आती जाती है ना, और इतने लोग बैठते हो उसमें, 100 लोगों ने भी ले ली, 10-10 रुपए 20-20 रुपए भी उसने एक बोतल पे कमा ली, उसकी तो ऐसे ही उसकी तो दिहाड़ी बैठे बैठे लग गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक हम बोलते नहीं है ना, ये देखो कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने इस पर बात की, इस पर वीडियो बनाई, लोगों को अवेयरनेस दी, और ये वीडियो आगे तक भी जा सकती है, लोग भी देख सकते हैं, इसकी जो मैनेजमेंट है वंदे भारत की वो भी देख सकती है, जो इशू है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो असल चीज़ ये होती है कि आपके साथ अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप उसकी आवाज़ उठाएं, जितना आप आवाज़ उठाएंगे फिर किसी को पता चलेगा तो शायद कोई सलूशन निकल जाए। हम डर के हमारी आवाज़ ही नहीं उठाते तो सलूशन कहाँ से निकले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा इस बात को कि यार जो भी प्रॉब्लम दिखी थी, इस बंदे के अंदर बहुत हिम्मत है, लेकिन आप मतलब बात की, इस बात की जाहिर सी बात है, बड़ी बात है ना, वरना चाहता तो ये भी नहीं करता दूसरों की तरह, जैसे दूसरों के तो इसने आवाज़ उठाई, अब इस बात का सलूशन निकल जाएगा। बन रही है वंदे भारत की तारीफ की, लेकिन कहीं पर अगर कोई 19-20 है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल, तो कहीं पर कोई 19-20 है तो उसकी हाईलाइट किया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए।